أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما First of all, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. आवाज ठीक आ रही है? जी सर. क्योंकि मेरा आज थोड़ा कनेक्शन का भी मसला है. चलो देखते हैं आज हमारा सेशन किस चीज पे है. इंटरव्यू. आज हमारा सेशन इंटरव्यू पे है. इंटरव्यू पे हमारे सेशन कितने हो चुके हैं टोटल? इंटरव्यू सेशन मैंने तो लिया नहीं इसलिए मुझे नहीं पता. इंटरव्यू यही मिस होता है मुझे. पीएमएल लॉन्ग कोर्स 148 या एसएसयू या आईएसएसबी किसी भी चीज में आपने जाना है तो आपका इंटरव्यू तो आपको पता है कि ये मस्ट होगा. ठीक है, इनिशियल है. आईएसएसबी में आपने जाना है या आपने उधर जाना है कहीं पे पुलिस का टेस्ट देना है, एएफएनएस का टेस्ट देना है गर्ल्स ने, या जीडीपी का टेस्ट देना है, किसी भी सेशन में आपने जाना है ना तो आपका इंटरव्यू मस्ट होगा. ये तो आपको पता ही है. ओके, आज हम सबसे पहले कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जिनके क्वेश्चन मैं क्वेश्चन तो मैं करूंगा लेकिन आंसर आपने देने हैं. आप लोगों में से किसी से आंसर पूछूंगा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपने आंसर कैसे देना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्शन का. इंट्रोडक्शन मैंने पिछले सेशन में किया था, जिन लोगों ने ज्वाइन की थी मीटिंग तब उनका इंट्रोडक्शन भी मैंने शॉर्ट सा लिया था. ओके, अगर अभी कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे तो वो दे सकता है विद इन वन मिनट. जी भाई मैं देना चाहता हूँ. जी बोले. मैंने देना है. सकलेन देगा पहले. जी अस्सलाम वालेकुम सर. सर शुरू करूं? जी बिल्कुल करो. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू टू शॉर्टलिस्टिंग मी इन पीएमए 148 एंड इनिशियल इंटरव्यू. सर माय नेम इज सकलेन मुश्ताक, माय फादर नेम इज मुश्ताक अहमद. I am from Shakargarh district, Narwal. I did my matriculation from Jinnah Madrasa High School, Shakargarh, and got 83% marks. And I also have did my inter from Punjab Group of Colleges, Lahore, and got 73% marks. I have 4 siblings. I get motivated to join Pak Army as a second lieutenant. To serve humanity. That's all about me, sir. Thank you. Okay. थोड़ा introduction अच्छा करो अपना. और कोई बंदा देना चाहता है? No. चलो हम अपने दूसरे question की तरफ आज जा रहे हैं जो question बहुत important है और बहुत सारे लोगों से तकरीबन सारे लोगों से ये question पूछा जाता है. वो question क्या है? Why you want to join पाक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पीएमए, जीडीपी, जी, एनीवन, कोई इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहे खुद से? सर मैं दूं? हमजा एसडीके, हमजा. सर मैं दूं? कौन है जी आप? मैं वाला. मलिक ज़ियाउल्ला. जी दें जी. Why you want to join Pak Army sir? Yes, simple question. सर मेरा जो aim है ना वो पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन करना है और मेरा मकसद भी इसको हासिल करना है. इस वजह से मैं इसको ज्वाइन किया है और इसी में ही मैं मुझे जज्बा है कि मैं इसमें लगन से काम करूंगा और इसी में ही मुझे. अच्छा, हमारे इधर फहदुल्ला खान है कोई? सर
फहदुल्ला खान लगता बिजी है। चलो जी अबू बकर, मोहम्मद अबू बकर, आप इस क्वेश्चन का जवाब दें जल्दी से। सर जी, व्हेयर यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी? आपने क्वेश्चन ही दोहराना, आपने डायरेक्ट जवाब देना है। उधर जाके ऐसे किया तो आपको तो फिर मुश्किल हो जाएगी जी। मैं पाकिस्तान आर्मी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि ये मेरा पैशन है, ये मेरा जज्बा है जी, और ये मेरे वाले साहब की भी ख्वाहिश है माशाल्लाह, इस वजह से मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना। पैशन है और वालिद साहब की ख्वाहिश है। ओके, हमजा बताएगा जी इसका जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं पाक आर्मी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं कि ये मेरा बचपन का एक ख्वाब है, ये मेरा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान आर्मी में एज ए अफसर सर्व कर सकूं। और सर मुझे पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती है और ये सबसे रिस्पेक्टेबल फील्ड है कि बंदा इसमें ज्वाइन करके इसमें एक आलम काम हासिल करे। ओके जी, बचपन का ख्वाब है, यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, रिस्पेक्टेबल फील्ड है, ठीक है। सकलैन बताएगा जी। जी भाई, मैं पाक आर्मी इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो घर है वो एलओसी के करीब है, और जब भी इंडिया की तरफ से कोई छेड़खानी होती है, कोई उनके हमले होते हैं, तो मैं पाक आर्मी को इसमें शामिल पाता हूँ। पाक आर्मी हमारा दिफा करती है और मुझे खुद इस तौर बात की खुशी होगी कि मैं अगर अपने भाइयों को, अपने खुद खानदान का, इस तरह के लाखों खानदानों की हिफाजत कर सकूं, और एज ए पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट भर्ती होकर डिफेंस के तौर पर। सकलैन मेरी बात सुनो, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी सर, आ रही है। देखिए भाई सकलैन, बात सुनो, कॉपीड वर्ड नहीं बोलने हमेशा, आपको पता है ये वर्ड मेरे हैं, ठीक है। सकलैन ने जो बोले ना, ये वर्ड मेरे वर्ड्स हैं जो मैंने ISSB में बोले थे, तो ये कसम से मुझे नहीं पता। अच्छा, ये वर्ड्स हमेशा जो है ना कॉपी नहीं किसी की करने, जब आप कॉपी करते हैं ना किसी के वर्ड्स को, तो आप मेंटली तौर पे ना खुद जो मेंटली तौर पे ना इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते कि आप किसी के वर्ड्स बिल्कुल हूबहू बोलें, ठीक है। हमेशा बेशक आप यही वर्ड्स बोलें लेकिन इनकी अपनी वर्डिंग बनाएं, सही है? ठीक हो गया भाई, पर ये है कि मुझे नहीं था पता कि ये आपकी वर्डिंग है, ठीक है। मैंने ISSB में जब मुझसे पूछा था व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, तो मेरा ये आंसर था कि मैं LOC के पास रहता हूँ, और उर्दू में मैंने आंसर दिया था। मैंने पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दिया था, बस इस क्वेश्चन का जवाब मैंने उर्दू में दिया था और कड़कदार जवाब दिया था इसका कि मैं सर LOC के पास रहता हूँ, जब मुख्तलिफ हमले होते हैं हमारे इधर होते ही रहते हैं हर 2-3 माह बाद, तो सर ऐसे होता है कि मैं बहुत सारे लोगों को जख्मी भी देखता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जो है ना शहीद होते भी देखता हूँ, इसके अलावा मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना वो सबसे आगे बढ़ के वर्क करती है और उन जख्मियों की देखभाल करती है, इसी तरह बहुत सारे हमारे सिपाही, हमारे ऑफिसर जो हैं वो भी शहीद होते हैं, जब उनकी तरफ मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर जज्बा पैदा होता है कि भाई मैंने भी अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है, तो ऐसा मैंने जवाब दिया था, ठीक है। अपनी अंदर ना कड़क पैदा करनी है, कड़कदार अगर जवाब दोगे ना तो इंशाल्लाह कोई भी आपको नॉट रिकमेंड नहीं करेगा, सही है? ओके होगा भाई। हाँ ओके, इस क्वेश्चन का जवाब फहदुल्ला देगा। कहाँ गया, अभी तक आया क्यों नहीं ये? चलो जी, साद बिन खालिद, साद बिन खालिद जवाब देगा जी। सर एक्चुअली आई वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी बिकॉज़ इट्स अ नोबल प्रोफेशन एंड आवर कंट्री रिस्पेक्ट्स आवर आर्मी, तो इस वजह से मैं आ रही है आप लोगों की। ओके, कोई और बंदा बोले जी, मुझे इन भाई की आवाज नहीं आ रही।
मलिक जियाउल्ला बोलेगा जी। यस सर जी, सर क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? सर पाक आर्मी को ज्वाइन करना मेरा एम है और बचपन से ही मुझे इसके साथ लगन थी और मेरा एम ही यही था कि मैं पाक आर्मी को ज्वाइन करके रिस्पेक्टेड फील्ड है उसमें कुछ ना कुछ इंसान हासिल कर सकता है इसमें जाके। अच्छा जी, ओके जी, अब इस क्वेश्चन का जवाब देगा अली रजा। अली रजा नहीं जी, अली रजा भी नहीं है। इफ्तिखार अली जवाब देगा इस क्वेश्चन का। इफ्तिखार अली भी मौजूद नहीं है। राजा अबू बकर जवाब देगा इस क्वेश्चन का। एक बात मेरी हमेशा याद रखें, अगर आप इधर जवाब नहीं दे रहे इसका मतलब कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि आप तो सर जी। राजा अबू बकर बोले सर, I want to join Pak Army because my father sacrificed his life for our nation Pakistan. So it is my dream to join Pak Army. Good, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका अबू बकर, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसका आपको इनाम मिलेगा उधर, सही है। फादर की सैक्रिफिकेशन के बाद भी अगर आप जो है ना वो पाक आर्मी में जाना चाहते हैं, इसका मतलब कि आप लोगों का लगाव है पाक आर्मी के साथ, ठीक है, और आप लोग अपनी जानें कुर्बान करने चाहते हैं फॉर दिस बिलव्ड कंट्री। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट है। ओके, दूसरा बंदा इफ्तिखार अली था, इफ्तिखार अली जवाब देगा। ओके जी, ये भी नहीं है। मोहम्मद शहजाद असद जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं सर पाक आर्मी में इसलिए जाना चाहता हूँ टू सर्व ह्यूमैनिटी। टू सर्व ह्यूमैनिटी, गुड जी सर। और कुछ? और सर इसके अलावा सर ये जो फील्ड है ना सर, ये बहुत ही रेस्पेक्टेड फील्ड है। गुड, हो गया, ठीक है जी सर। ओके जी, अब मुझे इस क्वेश्चन का एक बंदा और जवाब देगा, यासिर अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आई वांट टू जॉइन पाक आर्मी बिकॉज़ आई वांट टू सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर द सेक ऑफ माय बिलोव्ड कंट्री। ओके जी, ओके जी, सैक्रिफाइस माय लाइफ। अच्छा जी, अब जवाब देगा शहबाज। शहबाज जवाब देगा जी, कह रहा है मैंने नहीं देना। चलो जी, और कोई बंदा रह गया? अगर कोई और बंदा है या बंदी है जो जवाब देना चाहे तो दे सकती है। ओके जी, किसी ने नहीं जवाब देना। अब मैं आपको ये जो आपने सारे पॉइंट्स मुझे बताए हैं ना, व्हाई यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, इसी में से आपको अच्छे पॉइंट्स और बुरे पॉइंट्स अलग करके दिखाऊंगा, जिनका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है आपकी सिलेक्शन पे और पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो रेडी है सारे सुनने के लिए? यस सर। यस सर। यस सर। हमेशा जब आपने जवाब देना ना इस क्वेश्चन का, व्हाई यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, तो आपने क्या करना है, कोई यूनिक जवाब ढूंढना है, कोई यूनिक जवाब ढूंढना। जैसे आपने मेरा जवाब सुना होगा, मैंने बोला मैं एलओसी के पास रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते, आप उर्दू में बोलें। उर्दू में नहीं बोल सकते, आप आगे परमिशन लें, सर मैं इस क्वेश्चन का जवाब सराइकी में देना चाहता हूँ, सर मैं इस क्वेश्चन का जवाब पंजाबी में देना चाहता हूँ। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई आप इंग्लिश में दो, नो, वो कहेंगे जी दो जवाब, ठीक है। सबसे पहली बात, जब भी बात आए व्हाई यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, तो आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंट हो जाना है, कॉन्फिडेंट हो जाना है।
सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारा अगला सेशन कॉन्फिडेंस पे है, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, नौ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जो नौ पॉइंट्स पे अमल करेगा उसका कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। सबसे पहले क्या करना, आपने कॉन्फिडेंट हो जाना है इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए, ओके जी। दूसरी चीज, आपकी आवाज, अगर आप मर्द हैं तो आपकी मर्दों जैसी आवाज होनी चाहिए, अगर आप एक फीमेल हैं तो भी आपकी आवाज में गरज पैदा होनी चाहिए, फीमेल की आवाज में भी गर्ज पैदा होनी चाहिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान आर्मी की बात हो रही है और आपकी सिलेक्शन की बात हो रही है, ये क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन है, व्हाई यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, ओके। ये तीन चीजें होने के बाद आपके अंदर जो आपका ब्लड है ना, ब्लड वो जोश मारना चाहिए, जब ये क्वेश्चन है ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, जोश मारना चाहिए इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको पॉइंट्स बताने लगा हूं, बात हुई जी पैशन की, सर मेरा बड़ा पैशन है कि मैं पाक आर्मी को ज्वाइन करना है, मैं पाक नेवी पाक एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, बच्चे सब के अंदर पैशन होता है, कोई ऐसी क्वालिटी बताओ जो आप में यूनिक है दूसरों में ना हो, कोई ऐसी क्वालिटी बताओ जो किसी और में ना हो जिसकी वजह से आप कहते हो कि आप इस जॉब के लायक हो, कोई ऐसी अपनी क्वालिटी बताओ, ओके जी। सर मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश है, बेहतरीन वालिद साहब की ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन आपकी भी ख्वाहिश होनी चाहिए, वालिद साहब के साथ साथ आपकी भी ख्वाहिश होनी चाहिए, अगर आपकी ख्वाहिश नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल। सर ये मेरे बचपन का ख्वाब है, जब आपने बोला ना ये आपके बचपन का ख्वाब है, इसका मतलब कि आप बचपन से ही पाक आर्मी से आपका बड़ा लगाव है, तो फिर आपको पाक आर्मी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डिप्टी पूछेगा या इनिशियल में भी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ ये रैंक का क्या सिंबल होता है, ठीक है, स्वार्ड ऑफ ऑनर क्या होती है, ब्रिगेडियर ब्रिगेड क्या होती है, रेजिमेंट क्या होती है, फिर ऐसी चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाएंगी, ओके। सर मुझे यूनिफॉर्म बड़ा पसंद है, भाई यूनिफॉर्म की बात नहीं करनी, ठीक है, यूनिफॉर्म की आपने बात बिल्कुल नहीं करनी कि सर मुझे यूनिफॉर्म पसंद है इसलिए मैं इस जो है ना पाक आर्मी में जाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा ये ब्लू वाला जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं ये अरेज करने लगा हूँ, ये जो ब्लू वाला है ले लिए जी सर, ओके जी। अगली बात रिस्पेक्टेड फील्ड है, गुड, जिसने भी ये बताया है ये एक रिस्पेक्टेड फील्ड है, आई अप्रिशिएट। पाकिस्तान आर्मी वाकई एक रिस्पेक्टेड फील्ड है और आपको इसको ज्वाइन भी करना चाहिए, एंड ये आपको लास्टली इस क्वेश्चन का जवाब में बताना चाहिए, सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रिस्पेक्टेड फील्ड है, ओके जी। नियर एलओसी ये सब ने कॉपी नहीं करना, ठीक है, कोई एक बंदा जिसने बता दिया बस बता दिया वही इसको रखे। एम टू ज्वाइन पाक आर्मी, गुड, मेरा एम है पाक आर्मी को ज्वाइन करना। इसके बाद आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछेंगे, जब आप बोलेंगे सर ये मेरा एम है पाक आर्मी को ज्वाइन करना, तो इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, अगर हम आपको पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं रखते तो फिर आप क्या करोगे, किसने बताया था एम का, वो मुझे इसका आंसर दे कि फिर आप क्या करोगे अगर आपको हम पाकिस्तान एयरफोर्स नेवी में नहीं रखते तो। सर मैंने बताया था एम का जी, बताओ सर इसका मतलब, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अगर जब वो हमसे पूछेंगे कि आपका हम आपको नहीं रखते मतलब हम आपको सिलेक्ट नहीं करते, हाँ तो फिर आप क्या करेंगे। सर मेरे जहन में इस तरह का जवाब नहीं है भाई, अपना जवाब ढूंढो, अगले सेशन में मैं ये जवाब, असवद इस्लाम ये जवाब वो देगा जी, असवद सिंपली यही कह देंगे भाई अगर इस टाइम नहीं हो रहा तो नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। अच्छा अगर आप दो ट्राइयां गुजर गई हैं जी, आपने दो बार ट्राई किया नहीं हुआ फिर आप क्या करोगे, सकलैन देगा जी आंसर, बोलो जी सकलैन साहब। सर मैं
तो पहले उन्हें कहूंगा कि मेरा ये पैशन है और मैं दोबारा कोशिश करूंगा जब तक इसकी लास्ट चांस नहीं हो जाता। और अगर फिर भी अगर मेरा नहीं होता तो पाकिस्तान में बहुत से अदारे हैं जहाँ पे रह के मैं एज ए गुड वर्कर काम कर सकता हूँ और अपने मुल्क की हिफाजत कर सकता हूँ। गुड अप्रिशिएटेड, उन अदारों को फॉलो करूंगा। गुड गुड, ठीक है भाई, आंसर आपने सुन लिया सितलैन का, बिल्कुल आपका ऐसा आंसर होना चाहिए। जब तक मेरी एज है सर मैं तब तक अप्लाई करूंगा, तब तक मैं इसके लिए कोशिश करता रहूंगा, जिस जिस फील्ड में जॉब आएंगी इंशाल्लाह मैं उसके लिए कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मेरी एज ज़्यादा हो जाती है और मैं नहीं पाकिस्तान आर्मी को सर्व कर सकता तो बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पर मैं रह के अपनी कौम की अपनी ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकता हूँ। ओके सर, और जो लड़के पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं साथ साथ और साथ साथ ट्राई देती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आंसर है कि सर एस यू नो के मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मैं अपनी इंजीनियरिंग को कंटिन्यू करते रहूँगा। ठीक है, अगर मैं इधर हो जाता हूँ तो मैं इंजीनियरिंग को छोड़ के पाक आर्मी में आ जाऊँगा, लेकिन अगर मैं पाक आर्मी में नहीं आ सकता तो मैं अपनी इंजीनियरिंग को कंटिन्यू करूंगा और इंशाल्लाह वहीं पे कोई जॉब करूंगा, सेटल होऊंगा और ह्यूमैनिटी को सर्व करूंगा अपने अच्छे काम करने की वजह से। ठीक है, ठीक हो गया भाई, समझ आई इस क्वेश्चन की? जी सर समझ आ गया। ओके, मैं एक बात फिर आपसे बोल रहा हूँ, आपका इंटरव्यू इस बार बहुत टफ होने वाला है। ओके जी, आगे एक बंदे ने बताया जी फादर ने सैक्रिफाइस, बहुत अच्छी बात है जी। देखो, जिनके अबू शहीद हुए, जिनके भाई शहीद हुए, जिनके कोई कज़न शहीद हुआ या जिनका कोई करीबी रिलेटिव शहीद हुआ पड़ा है पाक आर्मी से, पाक नेवी, पाक एयरफोर्स से, या जिनके भाई, जिनके अबू, जिनकी वालिदा पाक आर्मी को, पाक नेवी या पाक एयरफोर्स को सर्व कर रही हैं, उनका ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर एक बंदा ऐसा है जिसका अबू जो है वो शहीद हो चुके हैं पाक आर्मी में, उसके भाई भी पाक आर्मी में है, तो वो जाके जब उधर बताएगा सर मेरे अबू शहीद हो चुके हैं, मेरा जो भाई है वो भी पाक आर्मी को सर्व कर रहा है और मेरा भी यही एम है कि मैं भी पाक आर्मी को सर्व करूँ, पाक पाकिस्तान को सर्व करूं, ह्यूमैनिटी को सर्व करूं, इस्लाम को सर्व करूं और इसको इसकी खिदमत करते हुए मैं भी अपनी जान अपने बाबा की तरह कुर्बान कर दूं, तो ये जवाब बहुत प्यारा है। ठीक है, ओके है सर। ओके, चैट में देखते हैं, चैट भाई ना डराओ, इंटरव्यू मुश्किल कह कह के खून सूख जाता है। चलो जी, ऐ की गल हुई जी मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू टफ होगा और मुझे चैट बॉक्स में आ रहा है कि भाई डराओ ना, हमारा खून सूख जाता है कि इंटरव्यू को पता नहीं क्या होना है। भाई आपको मैं तैयार कर रहा हूँ इसीलिए तो कि इंटरव्यू टफ होना है, तैयार हूँ आप इंशाल्लाह आपको इस बार टाइट कर दूंगा। सर जब देना ही आर्मी गया तो फिर वो क्या करना, डरना कैसे? हाँ बिल्कुल, घबराना नहीं, बस हमारा पीएम भी कहता है ना। ओके सर, सर्व ह्यूमैनिटी की बात आप करें, सर्व नेशन, सर्व पाकिस्तान। अच्छा, अक्सर लोग ये बात अपने इस क्वेश्चन में कहते हैं मैं अपनी ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहता हूँ, नेशन को, पाकिस्तान को, लेकिन आपने ये कहते हुए थोड़ा सा अपने आप को यूनिक बनाना है, इसका आंसर देते हुए थोड़ा यूनिक आंसर बनाना है। ठीक है सर, यूनिक कैसे बना सकते हैं, थोड़ी एक एग्जांपल दे दें। सोचो खुद सर, बोलने का अंदाज थोड़ा चेंज कर सकते हैं, यही हो सकता है, या अपने एक्सप्रेशन थोड़े से, ये जो सर्व सर्व का मतलब जो है ना, आप इसका कोई सिनोनिम ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। सर्व ह्यूमैनिटी जब आप लिखेंगे ना तो आपको गूगल पे इतने सारे सर्व ह्यूमैनिटी पे, मेरा गला खराब है थोड़ा मैनेज करें, सर्व ह्यूमैनिटी पे आपको इतने सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, इतने सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे,
आप किसी वर्ड को यूनिक बना सकते हैं अपने आंसर को, ठीक है सर? तो कोई एनजीओ ऐड कर सकते हैं भाई, मैं एनजीओ वगैरह कोई बना के वो कर सकता हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ, व्हाट इज योर फ्यूचर एम, ये आपका आईएसएसबी में क्वेश्चन होता है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो मैं अपनी आपको बात बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा स्कूल बनाऊँ, ठीक है, छोटा सा एक स्कूल बनाऊँ जिसमें मेरे पास छोटे बच्चे जो कि फीस कहीं पे नहीं पे कर सकते वो मेरे पास पढ़ें, फिर उनको मैं पॉलिश करूँ और उन्हीं को इंशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पे लेके जाऊँ। ये मेरा अपना जो है ना जाती जो मेरा फ्यूचर गोल है वो ये है। इसी तरह आप सबका कोई ना कोई फ्यूचर गोल होगा, कोई चाहता होगा मैं एनजीओ बनाऊंगा, कोई चाहता होगा मैं सुपर स्टोर बनाऊंगा, कोई चाहता होगा मैं अपने बच्चों के लिए गाड़ियां खरीदूंगा, लेकिन फ्यूचर गोल हमेशा ह्यूमैनिटी पे होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने नहीं आंसर में दिया, एक आंसर ना इस क्वेश्चन का, कभी भी इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि आपने पैसे भी कमाने हैं। समझ आई? मतलब कि उन्हें ये नहीं बताना कि पैसे ही हम कमाना चाहते हैं, ये भी आपने बताना है। जो बंदा एम का बता रहा है वो साथ, या ये बता रहा है कि सर ये बड़ा रिस्पेक्टेड फील्ड है, वो साथ ये भी बताए सर इसकी हैंडसम सैलरी भी है, ठीक है। अगर आपको सैलरी ना दें पाकिस्तान आर्मी वाले, तो मेरे ख्याल में इधर एक दो बंदा रह जाएगा जो कहेगा मैं पाकिस्तान आर्मी में जाना है, सारे भाग जाएंगे, सही है? तो जो जो बात सच्ची है वो सच में बताओ। यस सर, एक दो भी नहीं रहेंगे। सही है, एक दो भी नहीं रहेंगे इस चीज से अगर आपको वो पे ना करें तो। आपने ये बात लाजमी बतानी है सर, हम पैसे भी कमाने हैं, ठीक है सर? जी जी बोले सर, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। किस चीज की सर? अगर वो कहें कि आप क्या, मतलब अगर हम कहें कि पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो इसके साथ बंदा ये कह दे कि ना मैं बेसिक नीड है, बहुत जरूरी है पैसे नहीं, कमाना नहीं, नहीं, ऐसी कोई नहीं करनी, वो सबको बता के नीड सारी होती है। बस आपने इतना बोल देना है कि सर एस यू नो कि ये एक रिस्पेक्टेड फील्ड है एंड इसकी सैलरी भी हैंडसम है, सो हम इस फील्ड को इसलिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं। सिंपली आंसर देने आपने, लेकिन देना कॉन्फिडेंस के साथ है आपने जवाब, बस। सर अगर वो आगे से कहें कि अगर आपको सैलरी हम तब बहुत कम दें तो भी आप ज्वाइन करना चाहोगे, तो फिर हम क्या जवाब दें सर? ये आपका अपना आंसर है जी, ये मैं आपको कभी किसी चीज का आंसर नहीं, मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद बताया, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, नहीं बताया, आपने खुद अपने अपने आंसर बताए हैं, मैं कभी बताता भी नहीं। जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप यही आंसर दें उधर जाके। हमेशा वही बंदा कामयाब होता है जो सच बोलता है, हमेशा याद रखना। थैंक यू सर, थैंक यू। रजा आपका क्या क्वेश्चन है? रजा आपका क्या क्वेश्चन है सर? क्या इंटरव्यू में झूठ बोलना यानी कि कोई यानी कि क्वेश्चन करते हैं जो अनआंसरेबल होता है हमारे के लिए, तो हमारे लिए यानी कि उसका आंसर करना, तो क्या वहां पे झूठ बोलना, वहां पे साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं, तो क्या यानी कि झूठ बोलना आप समझ लें कि अपने मफाद के लिए अच्छी बात है वहां पे? देखो जी, मैं तो दाढ़ी टोपी वाला बंदा हूँ, ठीक है सर जी, सर सबसे पहली बात ये है, और मेरे मुताबिक भाई झूठ बोलना बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत, इंसानियत की बात है। अब चीज यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने मुफाद के लिए या अभी हमें अपनी सिलेक्शन के लिए थोड़ा बहुत झूठ, थोड़ा बहुत जी सर, यही पूछ रहा हूं, सर झूठ ही बोल देना पूरे का पूरा इंटरव्यू, थोड़ा बहुत झूठ आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी तरगीब नहीं दे रहा, कभी कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने भी बोला हुआ कभी, ठीक है जी सर। कोई इंसान मुकम्मल नहीं है सर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है मासवाय अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बाकी जो हम इंसान हैं कभी कभी अपने मफाद के लिए झूठ बोल देते हैं, बट तरगीब मैं आपको नहीं दे रहा झूठ बोलने की, आप कोशिश यही करें कि हमेशा सच बोलें, इंसान वही कामयाब होता है जो सच बोलता है सर। लेकिन आज नहीं बनता सर जी, सच का
सर लोग नाराज हो जाते हैं, दोस्त से सच बोलोगे वो नाराज हो जाएगा, घर वाले नाराज हो जाएंगे। हाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। यस सर। आज से 2 साल पहले ना मैं पेंट शर्ट वाला था, ठीक है? यस सर। पेंट शर्ट आप समझते हैं ना, फुल माहौल। लेकिन एक दिन, एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया जिसने मुझे बिल्कुल चेंज करके रख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दिन बड़ा अच्छा था, अभी भी मैं याद करता हूँ उस दिन को। जब उस दिन, मैं आपको ये बात कभी बाद में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है, 2 मिनट की मीटिंग रह गई है। उस दिन आप ये समझ लें कि एक मदनी काफला था, एक इस्लामिक जमात जा रही थी, उसके साथ मुझे भी ले गए, खींच के ले गए। और मुझे जब उधर जाके पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि मेरी उम्मत मेरे लिए 5 वक्त की नमाज अदा कर सकती है, मुझे शर्म आती है कि मैं बार बार अल्लाह पाक के पास जाऊं और उनसे नमाजें कम करवाऊं, क्योंकि 50 से पहले ही 5 रह गई हैं। जब ये बात हुई ना तो मेरी आंखों से आंसू आ गया, और वही जो था ना आंसू, उसने मेरी जिंदगी यू टर्न दे दी कि मुख्तलिफ बना दिया टोटली, सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुश हूँ अभी। तो उस दिन मैं पूरी रात नहीं सोया ना, उस रात मैं पूरा नहीं सोया, मैं बस ये सोचता रहा कि मैं मूवीज देखता हूँ, अगर मैं मूवीज छोड़ दूंगा तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्या होना। फिर मैंने सोचा भाई अगर मैंने नियत तो कर लिया दाढ़ी रखने की, तो जो लोग मेरे आसपास रहते थे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाई सोचने दो, क्या सोचते हैं, ये सोचो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सोचेंगे। मैंने बस उस टाइम ये सोचा, जितने भी गुनाह थे मैंने एक एक करके छोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी गुनाह होंगे जो अभी मुझे नजर नहीं आते, लेकिन मैं अपने आप पे बहुत कंट्रोल कर चुका हूँ, बहुत अपने ऊपर जो है ना मेरे अंदर इस्लामिक चीजें ज्यादा आ चुकी हैं। सो इसीलिए सबसे पहली चीज, अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको झूठ छोड़ना पड़ता है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप गुनाहों से नहीं बच सकते, ये आप हमेशा याद रखना। झूठ बोलने वाला बंदा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, झूठ बोलने वाला बंदा कामयाब नहीं हो सकता। अगर वो इधर बजाहर कामयाब हो भी जाए, लेकिन फिर भी उसकी कामयाबी की जो बेस है वो झूठ पे है, ये हमेशा याद रखना। लेकिन सर थोड़ा थोड़ा चलता रहता है वो, चलो वो तो आपकी मर्जी है जी, कभी कभी हो जाता है इंसान से। सर एक मैं भी थोड़ी बात शेयर कर सकता हूँ, थोड़ी छोटी सी। हमारी ये मीटिंग खत्म होने लगी है, आप